Hello guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Welcome to the new vlog. So मैं और मम्मी दोनों भी रेडी हो चुके हैं. मम्मी मोबाइल में टाइम पास कर रही है और अभी एक्चुअली सुबह के 4:15 बजे और अभी हम लोग ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मंदिर 5 बजे खुल जाता है और उसके पहले ही लाइन चालू हो जाती है. तो हम लोग ने बोला कि पहले ही निकल जाते हैं क्योंकि लाइन भी अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो दर्शन थोड़े लेट होंगे. तो हम लोग अभी निकल रहे, तो चलिए आपको रास्ते में फिर आगे ओंकारेश्वर का मंदिर दिखाता हूँ. सुबह का टाइम है और ये देखो पूरा रोड अभी खाली है. रोड पे कोई भी नहीं है यार, सिर्फ मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी मंदिर के लिए. तो ये पुल में एक्चुअली हम लोग निकल रहे हैं, ये पुल में जा रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा नर्मदा नदी है और ये पूल एक्चुअली बहुत खूबसूरत बना है. तो आपको अगर आना है तो ये रात को पूल को एक्सप्लोर करना और रास्ते में वहाँ पे पीछे बहुत बंदर मिलेंगे. तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे. एक्चुअली दो रास्ते थे, एक लेफ्ट और एक राइट, तो हम लोग ने राइट वाला रास्ता लिया हुआ है. हम लोग जा रहे हैं अभी. तो हम लोग बीच ब्रिज पे पहुँच चुके हैं. अगर आप देखोगे तो ये सामने वाला रूट है, ये पूरा ब्रिज है और यहाँ पे मंदिर है. अगर रास्ता दिख रहा होगा शायद आपको, तो ये देखो अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये नर्मदा नदी है और ये पूरा रूट है जो मंदिर के लिए जाता है अंदर. और हम लोग वही मंदिर के लिए जा रहे हैं अभी, ओमकारेश्वर का. तो फाइनली हम लोग के दर्शन हो गए अच्छे से. अंदर एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं था तो फिर इसके लिए वीडियो शूट वगैरह जो भी था वो मना था. तो हम लोग ने सिर्फ दर्शन किया, अच्छे से दर्शन हो गए और एक्चुअली बहुत दर्शन हो गए. हम लोग को लगा था अराउंड 1.5-2 घंटा जाएगा, बट दर्शन हम लोग के अच्छे से हो गए. और अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये महाकालेश्वर का मंदिर है, ऊपर उन्होंने बना के रखा है और यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिशूल है अगर आप देखो तो यहाँ पे. और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मंदिर के लिए रास्ता जाता है अंदर के साइड पे, नीचे ही है. और ये यहाँ पे नर्मदा रिवर है और वो वाले ब्रिज से आए हम लोग. अगर आपको जूम करके दिखाओ तो ये देखो, यहाँ पे एक ब्रिज है तो ये ब्रिज से हम लोग क्रॉस करके ओमकारेश्वर के मंदिर के लिए आए. और अभी हम लोग महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जा रहे, तो चले चलते. तो ये देखिए, मैं ये ब्रिज की बात कर रहा था जो सुबह में ब्लर में दिखाया, वो ये वाला जो ब्रिज है यहाँ से हम लोग क्रॉस करके आए. ये चलने का नया ब्रिज बना है तो वहाँ से अगर आप आते हो तो ये वाला रास्ता कनेक्ट होता है दर्शन के लिए, जो ये लाइन जाता है अंदर. तो ये ब्रिज से आना और ये ब्रिज सुबह आपको बहुत अच्छे से दिखने मिलेगा या फिर रात को आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो. ये देखिए ब्रिज. Thank you.
ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज का टेंपल, हर हर महादेव। और यहाँ पे देखिए लोग आरती कर रहे सुबह और स्नान वगैरह भी कर रहे हैं नर्मदा देवी में। ये सुबह का नज़ारा है। कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखे। तो हम लोग फ़िलहाल अभी नर्मदा रिवर जो है नर्मदा घाट पे है अभी फ़िलहाल, और वहाँ से बोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। तो आप पीछे देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं और साथ में मैं और मम्मी हैं, और हम लोग फ़िलहाल नर्मदा घाट में बोट में बैठे हुए हैं। अगर आपको पीछे का नज़ारा दिखाऊँ तो ये देखिए, तो ये ऐसा कुछ है। हम लोग पूरा परिक्रमा करने के लिए शायद निकल रहे हैं, और अगर आप देखोगे तो ये वाला ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, जो सुबह जो रात को आपको लाइट में दिखा था ये वाला अभी सुबह के टाइम पे दिखता है। और हम लोग अभी फिलहाल निकल गए। ये देखो यहाँ पे भी मंदिर है, ये ब्रिज है, और ये नर्मदा घाट है। मेरा आवाज़ थोड़ा कम आएगा बिकॉज बोट का आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो आवाज़ मेरा थोड़ा कम आएगा। अगर ये देखो ये वो जो ब्रिज है सुबह ऐसा दिखता है ये सुबह, और ये पूरा नर्मदा घाट का पानी है। मेरी मम्मी को थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज वो लाइफ जैकेट में, वो देखो वो योग कर रही है, तो लाइफ जैकेट में पहना उसको थोड़ा डर लग रहा है। और भी यहाँ पे बहुत सारे बोट्स हैं, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो देखो ये नर्मदा डैम है, ये नर्मदा डैम है। यहाँ से सुबह पानी छोड़ते हैं, तो रोज सुबह सायरन बजाते हैं लोग पानी छोड़ने के टाइम पर, और हम लोग वही अभी जा रहे हैं आगे, शायद कावेरी नदी और नर्मदा नदी का संगम हो रहा है वहाँ पे भी हम लोग शायद जाएंगे। तो अगर आप देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग अभी स्नान कर रहे हैं कंटिन्यू। तो ये घाट पे सब लोग सुबह स्नान वगैरह करते हैं। अगर आपको करना है तो आप भी यहाँ पे आके नर्मदा घाट पे स्नान कर सकते हो, पूजा वगैरह भी कर सकते हो। आएगा अभी डैम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे चेतावनी लिखी है कि गंदगी ना फैलाएं और 10 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं बोट में, और जैकेट पहनना मैंडेटरी है। ये देखिए डैम पास से कुछ ऐसा दिखता है, अगर आपको जूम में दिखाओ तो ऐसा है कुछ डैम यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो
सनलाइट ऐसे आ रही है सामने से, तो उस वजह से थोड़ा लाइट में डिफरेंस से दिखेगा। ये देखो ये दो नदी का संगम है यहाँ पे, कावेरी और नर्मदा नदी दोनों का संगम है यहाँ पे। और इससे ज़्यादा आगे जाना अलाउड नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शायद दोनों डिफरेंशिएट होके मिलती है, दोनों दोनों का संगम है यहाँ पे। प्रॉपर दिखाओ तो ये आपको पास से दिखा रहा हूँ, बट आप ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ऐसा सेल्फी के इसमें एंड तक आ रहे हैं और फोटो निकाल रहे हैं, बट आप ऐसी गलती मत करना वरना आप नीचे गिर सकते हो। बाकी ये देखो, अगर आपको मैं पास से दिखाऊँ तो ये है वो मंदिर ओंकारेश्वर, ये देखिए जो हम लोग सुबह गए थे पैर पड़ने। अगर आपको यहाँ आना है तो आप नर्मदा घाट से आके यहाँ पे नीचे गेट है, वहाँ से भी आप पैर पड़ने के लिए ऊपर जा सकते हो। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पे एक रास्ता है जहाँ से सब लोग जा रहे हैं पैर पड़ने के लिए, ये देखो यहाँ पे। बोलते हैं कि ऐसा मामा भांजा की बावड़ी है, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। और यहाँ से आप कुछ 200 या 260 स्टेप्स लेके ऊपर जाके देख सकते हो, अगर आपको क्लियरली दिखाओ तो। ये देखो ये वाली यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। अगर कोई इंदौर से देख रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना। और ये भी एक घाटी है जहाँ पे भी आके पैर पड़ रहे सब लोग, और यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मंदिर पैर पड़ रहे। यहाँ से पानी देखो कैसा फ्लो हुआ है, ये देखिए यहाँ से कैसा पानी फ्लो हो रहा है। ये वो ब्रिज है शायद जो टूट गया था, वो शायद वही ब्रिज है ये जो टूट गया था। ये यहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है, अगर आप देख सकते हो यहाँ से, तो वहाँ पे एक्चुअली बोट लेके नहीं जा रहे, तो लंबे से ही देख रहे हो। देखो ये जितना जो मौका हो सका मेरे मोबाइल से उतना मैंने किया है, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ वो सब दिखाने के लिए। इन्होंने आधा परिक्रमा करवाया बिकॉज शायद पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए, बट अभी पता नहीं शायद ये पूरा परिक्रमा भी हो सकता है, तो आई एम नॉट श्योर। अगर कोई देख रहा है तो बताना, बट हम लोग ने मोस्ट ऑफ सब देख लिया जो कावेरी और नर्मदा नदी का संगम था वो देख लिया, ब्रिज था जो देख लिया, और विष्णु भगवान का मंदिर था वो भी देख लिया हम लोग ने। तो अभी हम लोग यहाँ से शायद अभी नर्मदा घाट में वापस लेके जाएंगे, और अगर वो हो गया तो हम लोग थोड़ा देखेंगे, अगर कुछ देना है यहाँ से तो देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग फिर उज्जैन के लिए जाएंगे। जो भी आ गए मैं आपको बता दूँ। सो फाइनली हम लोग होटल पे आ गए और यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। हम लोग का जो परिक्रमा या जो भी बोलो वो दर्शन हो चुका है,
और हम लोग अभी महाकालेश्वर के निकल रहे हैं, तो ओंकारेश्वर का ब्लॉग यहाँ तक ही था। और जो इन्फॉर्मेशन है पूरी मुझे प्रोवाइड करनी है, बट उसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको मैं इंदौर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर तीनों का डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको पूरा का पूरा। तो वो देख लेना, आपको मिल जाएगा। बाकी ये ब्लॉग मैं यहाँ तक रखता हूँ, इसके आगे अभी जो भी चालू होगा वो महाकालेश्वर का व्लॉग स्टार्ट होगा, तो देख लेना। और अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।